assalamu alaikum my dear students i welcome you in the new class this is your science class and we will read our first chapter that's eating habits of animals okay so first of all let me tell you what do you mean by eating habit of animal eating habits of animals means khane ke adad. kisi janwar ke khane ke आदा ठीक है सो हय वी विल सी हाउ डिफरेंट एनिमल्स ईट फूड वट आर वट दे ईट वो क्या खाते हैं वो कैसे खाते हैं हाउ वट टाइप ऑफ टीथ दे हैव ओके एंड हाउ द दिस हाउ टू केयर हाउ टू टेक केयर ऑफ पैट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स ओके द एनीमल्स जस्ट लाइक वी पीपल एनिमल्स आल्सो नीड फूड फूड टू ग्रो एंड स्टे अलाइव जैसे हमें फूड की जरूरत होती है वैसे ही एनीमल्स को भी फूड की जरूरत होती है क्यों टू ग्रो एंड टू स्टे अलाइव बड़ा होने में भी बढ़ने में भी और जिंदा रहने के लिए भी जस्ट लाइक वी ओबेन द फूड फ्राम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स and uh, this these plants um, these animals also obtain food from plants as well as from animals okay so we will read about eating habits जो भी फूड द टाइप ऑफ फूड एन एनिमल ईट्स रेगुलरली मेकिंग अप द ईटिंग हैबिट्स ऑफ दैट एनिमल जो भी फूड एक एनिमल रोज खाता है जैसे हम रोज खाना खाते हैं ठीक है हम क्या खाते हैं खाने के साथ सालन खाते हैं ठीक है तो दीज दिस इज द ईटिंग हैबिट ऑफ ए ह्यूमन और वी विल से वी पीपल ओके जस्ट इन द सेम वे in the same way the animals uh, that eat regularly whatever they whatever the food they eat jo bhi wo food khate hain roz that is their eating habit wo unka eating habit hai some animals like um, cow uh, eat plants है ना कुछ animals plants खाते हैं कुछ animals flesh खाते हैं कुछ animals flesh भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं ठीक है तो इस बेसिस पे बेस्ड ऑन द ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है ग्रुप्स में ठीक so, है सो फर्स्ट ग्रुप इज दर्बिवर्स हर्बिवर्स आर दोज एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स हर्बिवर्स वो एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं जैसे कि हम काउ की एग्जाम्पल लेंगे वो ग्रास खाती है जिराफ वो लीव्स खाता है ट्रीज की या बुशेस खाते हैं ठीक है सो दीज आर द इग्जाम्पल्स ऑफ वॉट हर्बिवर्स यू विल कीप दिस इन माइंड दैट हर्बिवर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज प्लांट प्रोडक्ट्स एंड हेयर इज द एग्जाम्पल लाइक काउस कोट चीप जिराफ जेब्राज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बिवर्स देन इज द सेकेंड कैटेगरी दैट कॉर्नीवर्स कॉर्निवर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स कॉर्निवर्स वो एनिमल्स है जो कि क्या करते हैं दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं ठीक है ठीके? गोश खाते हैं जैसे आप लाइन की एग्जाम्पल लीजिए चीता टाइगर क्रोकोडाइल ये सारे जो है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्निवर्स ये जो एनिमल्स होते कॉर्निवर्स एनिमल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं शिकार करते हंट एंड ईट ये क्या करते हैं दे हंट एंड ईट आर कॉल्ड द एनिमल्स दैट दे हंट एंड ईट आर कॉल्ड प्रे जिसको ये हंट करते यानी कि शिकार करते और फिर खाते हैं उसको प्रे बोलते हैं यानी कि शिकार ठीक है सो इज इट्स द सेकेंड कैटेगरी दैट एनिमल्स दैट ईट द फ्लश ऑफ अदर एनिमल्स दे आर कॉल्ड कॉर्निवर्स एंड द इग्जाम्पल इज लाइन चीता टाइगर क्रोकोडाइल ओके देन इज कैंजर्स स्कैंजर्स आर दोज एनिमल्स दैट फीड ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। स्कैंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि जो मरे हुए ये जानवरों का गोश्त खाते हैं या प्लांट्स जो होते हैं खराब हुए मतलब ये गिरे हुए पत्ते वत्ते सब कुछ जो होता है वो क्या करते हैं वो वही खाते हैं वो एनिमल्स जिनको हम स्केजर्स बोलते हैं जैसे वर्जर्स जो होते हैं ना crows jackals हैनाज ये सारे जो एंटर्माइट्स ये सारे जो एग्जाम्पल्स है आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केवेंजर्स इसमें क्या होता है ये जो सिकेवेंजर्स है ये हमें एक और काम एक और चीज में हमें मदद करते हैं हमारी अर्थ को जो क्लीन रखने रह, के लिए स्कैंजर्स का बहुत बड़ा हाथ है ठीक है क्योंकि जब एनिमल्स मरते हैं ना जब एनिमल्स मरते हैं तो ये स्केवेंजर्स उनको खाते हैं अगर स्केवेंजर्स नहीं होते अगर स्केवेंजर्स नहीं होते तो ये जो डेड uh, एनिमल्स uh, होते हैं हमारी अर्थ पे उससे क्या होता वो जमीन पे ही रहते जब वो जमीन पे ही रहते उससे डिजीज स्प्रेड होते बीमारियां फैलती तो जिसकी वजह से यहां पे बहुत सारी बीमारियां फैलती और ह्यूमंस को नुकसान हो जाता ठीक है सो दैट्स वाई दिकेंजर्स आर वेरी आर हेल्पफुल इन मेकिंग अवर अर्थ क्लीन ओके देन इज अनदर कैटेगरी दैट्स ओमनिवर्स ओमनिवर्स आर डोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ओमनिवर्स जो होते हैं ये एक तो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं जैसे वी दिस वी पीपल ह्यूमंस ह्यूमंस कम इन द कैटेगरी ऑफ वॉट ओमनिवर्स ये किस कैटेगरी में आते हैं ओमनिवर्स कैटेगरी में क्योंकि हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं है ना अब हम एनिमल्स की एग्जाम्पल लेंगे एनिमल्स में बियर्स रैट्स ये जो सारे हैं ये ओमनीवर्स है ठीक है बियर्स जो होते हैं ये फिश खाते हैं स्मॉल एनिमल्स खाते हैं प्लांट्स भी खाते हैं बेरीज भी खाते हैं ठीक है सो दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ ओमनीवर्स या रैट्स की एग्जाम्पल लेंगे रैट्स जो होते हैं वो प्लांट uh, प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल um, प्रोडक्ट्स भी खाते हैं ठीक है सो दीज आर द इग्जाम्पल्स ऑफ वॉट Omniverse. So here is the questions that correct the false statement by changing the underlying words. Abi abhi, abhi hamni pada eating habits of animals. Sabka. मतलब फर्स्ट कैटेगरी में हर्बिवर्स आते हैं फिर कॉर्निवर्स फिर स्केवेंजर्स फिर ऑमनिवर्स तो अब ये जो क्वेश्चन है अब इसी के बेस पे हमें ये क्वेश्चन करने जैसे क्वेश्चन नंबर वन है एनिमल्स डेट ओनली फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड कॉर्निवर्स वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट और प्लांट, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं इन्होंने लिखा है ये कॉर्निवर्स है बट इट्स रॉन्ग दे आर हर्बिवर्स वेरी गुड

कॉर्निवर्स, डाइजेस्ट नो इट्स ओमनिवर्स कीप द अर्थ क्लीन बाई ईटिंग अप द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स ओमनिवर्स करते हैं नहीं अभी हमने पढ़ा स्केवेंजर्स है वो है ना एंड फिफ्थ इज बियर्स एंड रैट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्केवेंजर्स बियर्स एंड रैट्स, स्केवेंजर्स की एग्जाम्पल नहीं है ये किन की एग्जाम्पल है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ omnivores okay so this was about the eating habits of animals and um, and their categories on the basis of this uh Fia amanilla take care